सो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे लॉक मांग रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने अपना लॉक दे दिया। मेरा सेटिंग का ऑप्शन जो है तो यहाँ पे ऑन हो गया। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं अपने इसी दूसरे ऐप्स को जो है तो ओपन करता हूँ। उसमें क्या कोड मांगते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न लॉक जो है तो ऑटोमेटिक मांग लिया। तो आपको इसको किस तरह से करना है कि अपने सारे ऐप्स को अलग अलग पासवर्ड से किस तरह से लॉक करना है, तो मैं इसकी वीडियो आपको पूरा बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइस, मैं दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद दोस्तों आप हमारे टेक अकमल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक अकमल। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास ऐप लेकर के आए हैं आपके लिए, जिस ऐप की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल आप वहां से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही जेन्युइन ऐप है, बहुत ही अच्छा ऐप है, जिस ऐप की मदद से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने स्मार्टफोन को लॉक करना है, लॉक करने के बाद आप उसको स्मार्टफोन को भी लॉक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी स्मार्टफोन के अंदर ऐप्स इंस्टॉल हैं, सारे के सारे ऐप्स में आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। और अपना पासवर्ड लगाने के साथ साथ मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, या मान लो कोई भी फ्रेंड या आपका कोई भी घर वाला, कभी भी उस ऐप को ओपन नहीं कर सकता है। जो अगर आप उसको दिखा भी देंगे कि मैंने ये पासवर्ड लगाया, फिर भी आप उसको उसको वो ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर ऐप्स के अंदर आपको अलग अलग पासवर्ड लगाना पड़ेगा। और किस तरह से दोस्तों आप किस तरह से अपने हर ऐप के अंदर अलग अलग पासवर्ड लगाएंगे, तो मैं आज आपको इसके बारे में आपको मैं फुली जानकारी दूंगा। तो आप इसके लिए लास्ट तक मेरी वीडियोस को देखना होगा। आप लास्ट तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसमें सारे के सारे ऐप्स में अलग अलग आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको किस तरह से अपने सारे के सारे ऐप्स में अलग अलग पासवर्ड लगाने हैं, और किस तरह से इस ऐप को यूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस ऐप को मैं अपने लिंक इसकी लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप सिंपली क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद यहां पे आपसे न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए कहेगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंटर कर लिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको क्या होगा कि अलग अलग आपको हर ऐप्स में अलग अलग पासवर्ड क्या लगाना है, मैं आपको उसी प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप में ऐप लॉक देख रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐप लॉक, यहाँ पे नीचे प्लस का आइकान आपको दिख रहा है, आपको प्लस का आइकान पे क्लिक करना है। प्लस का आइकान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो ब्लर के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे ऑटो ब्लर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है तो पासवर्ड लगा रखा है। यहाँ पे प्लस का आइकान के आपको फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हाइड दिख रहा है, यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आपको हाइड होना बंद हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3 4 5 मैंने वो जो पासवर्ड लगा रखा था। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरह से सेटिंग के ऑप्शन पे आना है। सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल पासवर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड पासवर्ड के ऑप्शन, यहाँ पे प्लस का आइकान है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पिन डाल सकते हैं, यहाँ पैटर्न, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जो भी आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं पैटर्न आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे पैटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको जो भी पैटर्न वहाँ पे लगाना है, आप उस पैटर्न को यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा फिर इसको कंफर्म करना है, फिर कंफर्म करके यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में नीचे दिख रहा है ऐप्स, तो यहाँ पे लॉक्ड ऐप्स 0 है, तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकान पे क्लिक करना है। प्लस के आइकान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल आप इसको ओके कर दीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों प्लस का आइकन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको चले जाना है बैक। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है तो फिर से मल्टीपल पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप दूसरा पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप पैटर्न 1 लगा चुके हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, फिर से आप यहाँ पे पैटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे मैं बीच वाले सब की ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बीच वाले से लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे 0 ऐप्स बता रहा है, तो आपको सिंपल इस पर फिर से क्लिक करना है। उसके बाद प्लस का आइकान पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद मैंने आपको बता दू कैलकुलेटर का ऑप्शन है, मैं तो कैलकुलेटर को ले रहा हूँ। कैलकुलेटर को लेने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको अनहाइड था, मैंने इसको फिर से हाइड
हाइड हाइड था, मैंने इसको अनहाइड करके फिर से यहाँ पे मैं बैक चला गया। बैक जाने के बाद यहाँ पे मेरे दो पासवर्ड यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे आप सिंपल पैटर्न दो पैटर्न लग चुके हैं। यहाँ पे फिर से आपको मल्टीपल पासवर्ड पर क्लिक करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, फिर से पैटर्न लेना है। पैटर्न लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे उल्टा इस तरह से आपको कर देना है। यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे, यहाँ पे फिर से मैंने इस तरह से किया, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे, यहाँ पे जीरो एप्स दिखा रहा है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे प्लस का आइकन पे आपको फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे हाइड दिख रहा है, इसको अनहाइड आपको कर देना है, ओके के ऑप्शन पे कर देना है। यहाँ पे आपको चले जाना है बैक, आपको सीधा है यहाँ पे डायरेक्टली बैक चले जाएंगे। यहाँ के ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पासवर्ड लगाया था, ये ऑटो ब्लर के ऑप्शन पे पासवर्ड लगाया था, मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया। यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 मैंने जिस तरह जैसे ही दिया, यहाँ पे ये जो है तो मेरा एप्स यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरा, यहाँ पे आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन, यहाँ पे मैंने सिंपल इस पे भी क्लिक किया। यहाँ पे ये पैटर्न लॉक देखो ऑलरेडी मान चुका है। यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने पैटर्न लॉक लिया लगाया, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है तो ये खुल गया ये एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको दूसरा बताने वाला था, जैसे कि मैंने दूसरा पैटर्न लॉक लगाया, यहाँ पे कैलकुलेटर के ऑप्शन पे मैंने लगाया, मैंने कैलकुलेटर के ऑप्शन पे किया, तो इस तरह से फिर से पैटर्न मांगा। मैं यहाँ पे बीच वाले में मैंने इसमें लगाया था, मैंने बीच वाले में क्लिक किया, यहाँ पे कैलकुलेटर ऑप्शन ओपन हो गया। उसके बाद मैं दोस्तों कैलेंडर पे लगाया हुआ था इसमें पासवर्ड, तो मैंने कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने उल्टा पासवर्ड लगाया था, तो मैंने उल्टा पासवर्ड इस तरह से लगा दिया और ये मेरा कैलेंडर भी ओपन हो गया। सो दोस्तों आपको इसी तरह से इस ऐप के जरिए आप अपने अलग अलग ऐप्स में अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस वीडियो को कि किस तरह से मैंने इस वीडियो को मैं इस ऐप को अपने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने सारे के सारे ऐप्स में अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं और कोई भी आपके ऐप्स को ओपन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक अकमल को फ्री में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। उसके साथ साथ मैं दोस्तों बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो इस वीडियो को शेयर करने के बाद काफी लोग जो है तो इस वीडियो को देख पाएंगे और वो इस ऐप का यूज कर पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।